स्वागत है आपका हमारे नए सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का अर्थ होता है समानार्थी शब्द, जिनका मीनिंग एक हो। तो शुरू करते हैं हमारे नए सेशन को। इसमें फर्स्ट नंबर पे है हमारा एबेंडॉन। एबेंडॉन का मतलब होता है छोड़ देना, और इसका आंसर होगा ए। ए इज द राइट आंसर, गिवअप। गिवअप का मतलब भी होता है छोड़ देना। एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब होता है बरी कर दिया, और इसका आंसर होगा हमारा बी, रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब भी होता है बरी कर देना, बरी किया हुआ या बरी कर दिया। तो बी इज द राइट आंसर। नंबर थर्ड पे है हमारा एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा, और इसका राइट आंसर होगा स्ट्रॉन्ग डिजायर। नंबर फोर्थ पे है हमारा एनार्ची। एनार्ची का मीन्स होता है अराजकता, और इसका आंसर होगा हमारा डी, लॉलेसनेस, जहाँ पे कोई कानून ना हो। अराजकता तो वहीं पे होगी ना जहाँ पे कानून नहीं होगा, इसलिए एनार्ची का सिनोनिम्स लॉलेसनेस। एनिहिलेट, एनिहिलेट का मीन्स होता है संहार करना, और इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, डिस्ट्रॉय फुली। नेक्स्ट हमारा सिक्स, अपोलॉजी, क्षमा याचना करना या क्षमा याचना, और इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, पार्डन। अटैक, अटैक का मतलब होता है हमला, और इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, इन्वेजन। फिर इसके बाद आता है बैनिश। बैनिश मीन्स होता है निर्वासित करना, और इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, एग्जाइल। बिलीफ, बिलीव का मतलब होता है धारणा, और इसका राइट आंसर होगा हमारा ट्रस्ट। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टेंथ पे आते हैं। टेंथ पे है हमारा बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, और इसका आंसर होगा हमारा राइट सी, एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब भी फायदा, और बेनिफिट का मतलब भी फायदा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इलेवेंथ पे है हमारा ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर, और बहादुर का सिनोनिम्स होगा हमारा बोल्ड। बोल्ड का मीन्स भी बहादुर। बिल्ड का मीन्स होता है बनाना, और इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, कंस्ट्रक्ट। कोलेशन, देखिए मेक का मीन्स भी बनाना होता है और कंस्ट्रक्ट का मीन्स भी बनाना होता है, लेकिन मेक मोस्टली बिल्ड जो है, बिल्ड के लिए मोस्टली कंस्ट्रक्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बिल्ड जो है वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में यूज़ किया जाता है, इसलिए जो बिल्ड का कंस्ट्रक्शन के एरिया में यूज़ किया जाता है, इसलिए बिल्ड का कंस्ट्रक्ट ही होगा, मेक नहीं होगा। कोलिशन, थर्टींथ पे आता है हमारा कोलिशन। कोलिशन का मीन्स होता है गठबंधन, और इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, कंबाइंड। चेस्ट, चेस्ट का मीन्स होता है हमारा पवित्र, और पवित्र का आंसर होगा राइट प्योर, डी इज द राइट आंसर। कमांड का मतलब होता है आदेश करना, और इसका राइट आंसर होगा हमारा 15th पे ऑर्डर। ऑर्डर ए इज द राइट आंसर। 16th पे है कंपेशन। कंपेशन मीन्स दया, और इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, मर्सी इज द राइट आंसर। कंप्राइज, कंप्राइज मीन्स होता है हमारा समावेश, और इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, कंसिस्ट। कंसील का मीन्स होता है छिपाना, और इसका राइट आंसर होगा हमारा हाइड। हाइड का मीन्स भी होता है छिपाना। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, और इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, एडमिट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मीन्स होता है मंडली, और मंडली
का सिनोनिम्स होगा हमारा असेंबलेज। नेक्स्ट कंकर, 21 पे कंकर, कंकर का मीन्स होता है जीत, और इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। फिर अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 पे कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मीनिंग होता है हमारा संतोष, और इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, सेटिस्फेक्शन। ओके, कंटेनमेंट का सिनोनिम सेटिस्फेक्शन। 23rd पे हम लोग आते हैं, 23rd पे है करेज, और करेज का मतलब होता है साहस, और इसका राइट आंसर होगा वेलर। करेज का मतलब साहस या बहादुरी, और वेलर का मतलब भी साहस या बहादुरी। डिजेक्शन, 24th पे है हमारा डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब होता है उदासी, और इसका राइट आंसर होगा डिस्पोंडेंसी, बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब होता है रमणीय, आनंदमय, और इसका राइट आंसर होगा प्लेजिंग। डिलाइटफुल मतलब जो आनंद प्रदान करे, और इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, प्लेजिंग। नेक्स्ट 26 पे है हमारा डिस्पायर, सॉरी 26 पे है हमारा डेमोलिश, और डेमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, और इसका राइट आंसर होगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब भी ध्वस्त करना या नष्ट कर देना। फिर 27th पे है हमारा डिस्पायर। डिस्पायर का मतलब होता है घृणा, और इसका राइट आंसर होगा बी, हेट, बी इज द राइट आंसर। 28th पे हमारा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है नियंत्रित, और इसका राइट आंसर होगा सी, ऑर्फन। फिर 29 पे है हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल और डेट्रीमेंटल का उल्टा होगा हम सॉरी डेट्रीमेंटल का मतलब होता है, डेट्रीमेंटल का मतलब आपको बता दें, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, और इसका सिनोनिम्स होगा डी, हार्मफुल। 30 पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, और इसका सिनोनिम होगा बी, वाइज। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण। और 31 पे आता है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है 31 पे आता है डिफरेंट। डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग, और इसका राइट आंसर होगा ए, वेरियस। वेरियस इज द राइट आंसर। 32 पे आता है हमारा डिमेनिश। डिमेनिश का मीनिंग होता है घटाना, और इसका राइट आंसर होगा बी, डिक्रीज, बी इज द राइट आंसर, सॉरी सी, लेशन। लेशन मीन्स भी घटाना होता है, और डिमिनिश मीन्स भी घटाना होता है। 33 पे आता है हमारा डिस्कार्ड, और डिस्कार्ड का मतलब होता है रद्द करना, और इसका राइट आंसर होगा ए, रिजेक्ट। रिजेक्ट इज द राइट आंसर। 34 पे आता है हमारा एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, और इसका राइट आंसर होगा फो, सिनोनिम्स होगा इसका फो, बी इज द राइट आंसर। इरेडिकेट मतलब उसका नाश कर देना, उसे जड़ से उखाड़ फेरना, तो इरेडिकेट का मतलब होता है नाश कर देना, और इसका राइट आंसर होगा रूट डाउट, रूटेड आउट, जड़ से उखाड़ देना। 36 पे आता है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जो जरूरी होता है, और इसका राइट आंसर होगा एसेंशियल का राइट आंसर होगा इंडिस्पेंसिबल। फिर उसके बाद 37 पे आता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मीन्स होता है व्यर्थ, और इसका राइट आंसर होगा बी, यूजलेस। 38 पे आता है गैलेंट। गैलेंट मीन्स होता है वीर या बहादुर, और इसका राइट आंसर होगा करेजियस। फिर 39 पे आता है ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स होता है उदासी, शोक,
और इसका राइट आंसर होगा डी, मच सोरो। 14 पे आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी, और इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, फ्रीडम। फिर 41 पे आता है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है उद्यमी या मेहनती, और इसका राइट आंसर होगा 41 इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, और इसका राइट आंसर होगा डिलिजेंट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 42 की तरफ। 42 पे आता है हमारा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, और इसका राइट आंसर होगा सी, चीट। फिर आता है ज्यूडिशियस। ज्यूडिशियस का मतलब होता है उचित, और इसका राइट आंसर होगा हमारा 43 पे, ज्यूडिशियस का मतलब वाइज। फिर 44 पे आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, और इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, फ्रीडम। फिर मेलेडी। मेलेडी 45th पे आता है। नेक्स्ट है हमारा 45th पे है मेलेडी। मेलेडी मीन्स होता है रोग, और इसका राइट आंसर होगा डिजीज। डिजीज का मतलब भी रोग। और फिर 46 पे आता है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, और इसका राइट आंसर होगा 46 पे है हमारा मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मींस जो रहस्यमय होता है, जिसमें रहस्य छुपे होते हैं, और इसका राइट आंसर होगा सीक्रेट। सीक्रेट भी रहस्यमय और मिस्टीरियस भी रहस्यमय। ऑब्वियस मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट हो। 47 पे दिया हुआ है हमारा ऑब्वियस। ऑब्वियस मींस जो बिल्कुल स्पष्ट हो, और इसका राइट आंसर होगा क्लियर। पार्डन मींस होता है क्षमा, और पार्डन मींस होता है क्षमा, और इसका राइट आंसर होगा एक्सक्यूज, बी इज द राइट आंसर। पैरोल। पैरोल मींस होता है पैरोल मींस होता है वादा, वचन, और इसका 48 पे इसका राइट आंसर होगा बी, एक्सक्यूज, सॉरी लिबर्टी। पैरोल का मतलब होता है वादा, और इसका जो आंसर होगा सी, रिलीज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 50 पे आता है हमारा पेरिल। पेरिल का मतलब होता है खतरा, और खतरा का सिनोनिम्स हमारा होगा डेंजर। और 51 पे आता है प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब जो बहुमूल्य होता है, और इसका राइट आंसर होगा हमारा कॉस्टली। और 52 पे आता है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, और इसका राइट आंसर होगा हमारा डिफेंड। डिफेंड का मतलब भी रक्षा करना। रेस्क्यू। रेस्क्यू मीन्स बचाना, और इसका राइट आंसर होगा हमारा सेव। रुइन मीन्स बर्बाद करना, और इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, डिस्ट्रक्शन। फिर 55th पे आता है हमारा सेक्रेट। सेक्रेट मीन्स जो पवित्र होता है, और इसका राइट आंसर होगा हमारा होली। होली मीन्स भी पवित्र। सिक्योरिटी मीन्स होता है सुरक्षा, और सुरक्षा का सिनोनिम्स होगा हमारा सी, सेफ्टी। स्प्लेंडेड 57th पे आता है हमारा स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स होता है शानदार, और शानदार का सिनोनिम्स होगा हमारा डी, मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट मीन्स भी शानदार। नेक्स्ट 58 पे आते हैं हम लोग। 58 पे दिया हुआ है स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, और संघर्ष का सिनोनिम्स हमारा होगा फाइट। फाइट और स्ट्रगल सिनोनिम्स, स्ट्रगल का सिनोनिम्स फाइट। फाइट मीन्स संघर्ष, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। 59th पे आता है हमारा टिमिड। टिमिड मीन्स आसानी से डरने वाला, जो डरपोक होता है उसे टिमिड बोलते हैं। 59th का आंसर होगा हमारा बी, कॉवर्ड, जो साहसी ना हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। 60 पे आता है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और इसका राइट आंसर होगा सी, फेथ। विक्ट्री का मतलब होता है विजय,
और इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, ए इज द राइट आंसर। 62 पे आता है हमारा विंडिक्टिव, और विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, और इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, रिवेंजफुल। और 63 पे आता है हमारा विक्ट, और विक्ट का मतलब होता है शैतान, और इसका राइट आंसर होगा हमारा वेरी बैड। इसी के साथ हमारा सिनोनिम्स वाला